दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो दोस्तों, करण ओजला सर का न्यू सॉन्ग आउट हो चुका है एंड गाने का नाम है माँ बोल दी आ। एंड दोस्तों, सुनने को मिला है कि ये गाना जो है सिद्धू पाजी को ट्रिब्यूट दिया गया है, ऐसे सुनने को मुझे मिला है। एंड वी ऑल नो दैट कि करण ओजला सर एंड सिद्धू पाजी का जो रिश्ता था वो कैसा रिश्ता था, एंड ये सुनने के बाद आप भी थोड़ा मतलब शॉक में चले गए होंगे, बट दैट्स ट्रू गाइस। सो चलिए गाने को सुनते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं देन जल्द सब्सक्राइब कर लो, टू सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सो दैट आपको मेरे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो देर ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं।
तो दोस्तों ये था क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग था दोस्तों। ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस लिरिक्स इज फिल्ड विद इमोशन एंड एक हार्ट टचिंग सॉन्ग था। एंड कोई भी नहीं सोचा होगा कि करण ओजला सर एक ऐसे गाना लेके आएंगे। एंड वी ऑल नो दैट कि सिद्धू पाजी एंड करण ओजला सर का जो बॉन्डिंग था वो इतना अच्छा नहीं था, बट जिस तरह से इस गाने को वो लिखे हैं ना, वो पता चल रहा है कि वो पूरा दिल से लिखे हैं। एंड इट विल मेक यू इमोशनल गाइस। एंड बहुत ही गजब का सॉन्ग था। ये गाना ऐसा है कि सबके दिल को छू जाएगा, ऐसा गाना है। एंड जो बीच में बोलते हैं ना करण ओजला सर, दैट इज ट्रू। एंड तो इस गाने का हर एक लाइन बहुत ही इमोशनल भरा था। एंड वो लाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल लगा जहाँ वो बोलते हैं कि एक माँ से एक बेटे को लेके, एक पिता से एक दोस्त को लेके, वो जो लाइन था ना, इट वॉज़ वेरी हार्ट टचिंग। वैसे तो हर एक लाइन वेरी हार्ट टचिंग ही था, वो जो लाइन था ना, इट वॉज़ वेरी हार्ट टचिंग दोस्तों। एंड ये गाना ऐसा है कि आप पूरा फील करने लगोगे। करण ओजला सर बोलते हैं कि मैं इसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगा लिख कर या गा के। गजब का लिरिक्स लिखे हैं करण ओजला सर। हैट्स अप टू हिम फॉर सच ए ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट फॉर सिद्धू मूसेवाला। ये जो गाना था, इस गाने का जो लिरिक्स था, इट वॉज ए हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग। एंड अगर आप लोग इस गाने को सुन चुके हैं देन आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। फिर मुलाकात होगी और किसी रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।